हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के बारे में। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। हेडिंग कीजिए, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का मतलब समझते हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफाइंड होता है अगर कभी भी बॉन्ड बना है ए और बी के बीच में, लेट्स से ए सिंगल बॉन्ड बी है, तो ये कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, केमिकल बॉन्डिंग में, कि अगर इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। मीन्स अगर मैं यहाँ पे ए सिंगल बॉन्ड लिखा हूँ, तो यहाँ पे ऐसा है कि ए का एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे और बी का एक इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन ए और बी के बीच में शेयर हुए हैं, इनसे ये कोवेलेंट बॉन्ड बना है। तो अगर ए एंड बी के बीच में बॉन्ड है, अब मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफाइन करने वाला हूँ। देखिए, अब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफाइन करते हैं हम। ए एंड बी में, मीन्स यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, इन दोनों में जो भी इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, आप शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब समझें, यहाँ पे शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ए का एक इलेक्ट्रॉन और बी का एक इलेक्ट्रॉन, ये दोनों शेयर्ड हैं, तो इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को जो अपने साइड ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा उसका बोलते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होता है। फिर से मैं एक बार बोल देता हूँ, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बेसिकली एक टेंडेंसी है जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने साइड में अट्रैक्ट करता है। मीन जिसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा रहेगा वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने साइड ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। चलिए, एक लाइन इसमें लिख लीजिए डेफिनेशन, कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डेफिनेशन क्या है। लिखिए, इट इज़ टेंडेंसी ऑफ एन एटम, टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इट्सेल्फ इन अ कोवेलेंट बॉन्ड। तो टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इट्सेल्फ इन अ कोवेलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसे, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो फिर से आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सिर्फ टेंडेंसी है, मीन्स यहाँ पे ना ही एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब हो रहा है। तो एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि इसका यूनिट कुछ भी नहीं होता है। तो ये पॉइंट लिख लें आप कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज़, चलिए मैं इसको शॉर्ट में ई एन लिख रहा हूँ, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज़ यूनिटलेस, ये ध्यान रखें। एंड एक पॉइंट और, एंड इसे मैं लिख लूँ, एंड डज नॉट डिपेंड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मीन्स ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड नहीं करता है, जैसा कि हमने देखा था आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड कर रहे थे, लेकिन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के केस में ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड नहीं करने वाला और इसका कोई यूनिट भी नहीं होगा। जैसा कि हमने देखा था आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में, वो दोनों का यूनिट क्या था, तो एनर्जी था, बिकॉज वहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रहा था। क्लियर है? अब चलिए अपन यहाँ पे बात कर लेते हैं। अगर आपको ये समझ में आ गया तो डेफिनेशन के बाद नेक्स्ट आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो नेक्स्ट हेडिंग दीजिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। देखिए, फर्स्ट फैक्टर क्या होगा,
जो भी इलेक्ट्रॉन को अपने साइड में अट्रैक्ट करेगा, अगर कोई इलेक्ट्रॉन को अपने साइड में अट्रैक्ट कर रहा है मीन्स उसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है। ये चीज़ तो आपको समझ में आ रहा होगा। ए एंड बी में जो भी इलेक्ट्रॉन को अपने साइड में अट्रैक्ट करेगा उसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ और समझना पड़ेगा कि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी सेम ही था, राइट? लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में डिफरेंस क्या है मैं आपको बता देता हूँ। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बेसिकली आइसोलेटेड गैसियस एटम के लिए डिफाइंड था, मतलब एक आइसोलेटेड गैसियस एटम है, ये इलेक्ट्रॉन को अगर अट्रैक्ट करेगा बहुत ज़्यादा इट मीन्स इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है। तो ये डिफाइंड है आइसोलेटेड गैसियस एटम के लिए। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है ये टर्म आइसोलेटेड गैसियस एटम के लिए डिफाइंड नहीं है, ये बॉन्डेड एटम के लिए डिफाइंड है। बॉन्डेड एटम मतलब टू एटम मिलके अगर वो ग्रुप बना लिए, लेट्स से वो मॉलिक्यूल फॉर्म हो गए, अब उनके लिए ये डिफाइंड है। मतलब टू एटम है लेट्स से ए और बी, इन दोनों के बीच में बॉन्ड है। अब ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है इस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को जो अपने साइड ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा उसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफाइंड करते हैं बॉन्डेड एटम ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने के लिए, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिफाइंड होता है आइसोलेटेड गैसियस एटम के लिए जो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा। आपको इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अब चलिए अपन बात कर लेते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पे। तो यहाँ पे फर्स्ट फैक्टर होगा, देखिए अब फैक्टर्स की बात करें तो जो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अपने साइड अट्रैक्ट करेगा उसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होगा। तो अगर मैं फर्स्ट फैक्टर बात करूँ साइज के बारे में, ठीक, अब लेट्स से एज्यूम करें एक बहुत ही स्मॉल एटम है और एक बहुत ही लार्ज एटम है, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है। अब इलेक्ट्रॉन को कौन ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा? तो आप देख सकते हैं जिस एटम का साइज स्मॉल है, मैं सब कुछ सेम मान रहा हूँ, सिर्फ साइज़ में वेरिएशन है लेट्स से, तो होगा क्या, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा न्यूक्लियस। तो जो स्मॉलर एटम है, स्मॉलर एटम का न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के पास में होगा, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के पास में है, तो ये अपने साइज ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। इट मीन्स साइज डिक्रीजेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इनक्रीजेस, क्लियर है? फिर फर्स्ट फैक्टर के बाद सेकेंड फैक्टर पे बात कर लेते हैं, जेड इफेक्टिव, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। आप ये भी सोच सकते हो लेट्स से टू एटम है, दोनों का साइज मैं चलो सेम मान लेता हूँ अभी, और लेट्स से फर्स्ट एटम का जेड इफेक्टिव ज़्यादा है और इनके बीच में इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है, तो अगर फर्स्ट एटम का जेड इफेक्टिव ज़्यादा है इट मीन्स यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होंगे बाहर के ये ज़्यादा अट्रैक्शन फील करेंगे। अगर ये ज़्यादा अट्रैक्शन फील करेंगे तो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एटम के साइड में अट्रैक्टेड होंगे। तो अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एटम के साइड में अट्रैक्टेड होंगे मीन्स फर्स्ट एटम का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होगा। मैं बोल सकता हूँ जेड इफेक्टिव इंक्रीजेज इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीजेज। चलिए अपन थर्ड फैक्टर पे आते हैं। अगर मैं लेट्स से पॉजिटिव चार्ज ले लूँ ए प्लस, ए पे टू प्लस और ए पे थ्री प्लस, तो आप सबको समझ में आ रहा होगा इलेक्ट्रॉन को कौन ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। तो प्लस एंड माइनस में अट्रैक्शन होता है, राइट? तो जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा। तो ए थ्री प्लस सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, तो ए थ्री प्लस का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगा, फिर ए टू प्लस का होगा, लास्ट में ए प्लस का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी आएगा। फोर्थ फैक्टर की बात करूं तो अगर मैं माइनस चार्ज ले लूं, लेट्स से ए पे माइनस वन है, ए पे टू माइनस है और ए पे थ्री माइनस है, क्लियर होगा आपको? ए पे थ्री माइनस है मीन्स आप बोल सकते हो
ये इलेक्ट्रॉन को बहुत कम अट्रैक्ट करेगा, राइट? तो इनमें से इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे कम A3- का होगा, क्योंकि 3- है, ये तो इलेक्ट्रॉन को रिपेल करने वाला है बहुत ज़्यादा, तो अट्रैक्ट बहुत ही कम करेगा। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज़ डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज। एंड एक चीज़ और क्या बोल सकता हूँ, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज़ इन्वर्सली प्रपोर्शनल टू, 1 बाय लिख रहा हूँ, मतलब ये इन्वर्सली प्रपोर्शनल हो गया, तो इन्वर्सली प्रपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। एक फैक्टर अपन और आ रहे हैं, फिफ्थ। मैं आपको ये डिटेल में केमिकल बॉन्डिंग में एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन फिफ्थ मैं लिख देता हूँ। जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर होता है, परसेंटेज एस कैरेक्टर इन हाइब्रिड ऑर्बिटल। अभी हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होते हैं, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, ये हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ने वाले हैं। जस्ट मैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के फैक्टर बता रहा हूँ, इसलिए मैंने ये लिख दिया यहाँ पे। देखो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, बस मैं सिंपल सा आपको बताता हूँ, एग्जाम्पल दे देता हूँ। लेट्स से एक हाइब्रिडाइजेशन होता है sp, दूसरा होता है sp2, एंड लेट्स अभी थर्ड ले लिया मैंने sp3, और भी टाइप के होते हैं। लेकिन अभी हाइब्रिडाइजेशन क्या है आप उस पर मत जाएँ, सिर्फ आपको एक दे दिया है कि ऑर्बिटल है sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल और sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब sp हाइब्रिड ऑर्बिटल में क्या है, s ऑर्बिटल है और p ऑर्बिटल है, 1s ऑर्बिटल है और 1p ऑर्बिटल है। sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में अगर आप देखेंगे तो इसका मतलब है 1s ऑर्बिटल है, p2 मतलब 2p ऑर्बिटल है, sp3 का मतलब 1s ऑर्बिटल है और 3p ऑर्बिटल है। इन दोनों, ये दोनों मिक्स होंगे तो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। तो फिर से sp हाइब्रिड ऑर्बिटल मतलब 1s ऑर्बिटल और 1p ऑर्बिटल मिक्स होंगे, तो ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म करेंगे। क्यों मिक्स होते हैं, कैसे मिक्स होते हैं, ये सब हमें पढ़ना है केमिकल बॉन्डिंग में। तो अभी आप कुछ भी ना सोचें उसके पीछे, ठीक ना। sp2 की अगर बात करें तो इसमें 1s ऑर्बिटल एंड 2p ऑर्बिटल मिक्स होंगे, तो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। sp3 की बात करें तो 1s ऑर्बिटल एंड 3p ऑर्बिटल मिक्स होंगे, तब जाके sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होगा। बस ये मतलब समझ में आया आपको। और आपको पता है s एंड p में, s एंड p में, मैं चलो नीचे लिख देता हूँ, s ऑर्बिटल है और p ऑर्बिटल है। s ऑर्बिटल एंड p ऑर्बिटल में न्यूक्लियस का अट्रैक्शन किस पे ज़्यादा होता है, तो आपको पता है s ऑर्बिटल न्यूक्लियस के पास में होता है, इसलिए s ऑर्बिटल पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, मतलब अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस की अगर बात करें तो s ऑर्बिटल ज़्यादा होगा p ऑर्बिटल से। तो अगर न्यूक्लियस s ऑर्बिटल को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा तो s का अगर परसेंटेज इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन भी ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे मीन्स इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होगा। अब ये परसेंटेज इसका मतलब क्या है, जैसे देखिए यहाँ पे sp हाइब्रिड ऑर्बिटल मैंने लिखा है, तो अगर आप यहाँ पे परसेंटेज s ऑर्बिटल देखेंगे, परसेंटेज s 1s 1p है, परसेंटेज s कितना हो जाएगा 50%। sp2 में देखिए आप 1s ऑर्बिटल है और 2p ऑर्बिटल है, यहाँ पे अगर आप परसेंटेज s ऑर्बिटल देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 33% हो जाएगा। sp3 में अगर बात करें 1s ऑर्बिटल है और 3p ऑर्बिटल है, तो यहाँ पे परसेंटेज s हो जाएगा 25%। 1s एंड 3p आप s परसेंट फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं परसेंट p कैरेक्टर यहाँ पे फाइंड करूँ, तो 1s है और 1p है, तो p का परसेंटेज देखो यार सिंपल है, 1s है और 1p है, तो p का परसेंटेज कितना होगा 50% है, तो ये हो गया 50%। 1s है और मान लो यहाँ पे 2p है, अब p का परसेंटेज कितना होगा 2/3 × 100 मीन्स 66.6 एग्जैक्टली बोला जाए तो
0.6, ये भी 33.3 रहेगा। sp3 में p का परसेंटेज ये हो जाएगा 75%। तो आपको अभी इस चैप्टर में मीन्स पीरियोडिक टेबल में कोई भी हाइब्रिड ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन नहीं पूछेगा, आपको मैक्सिमम सिर्फ ये दे सकते हैं कि sp है, sp2 है और sp3 है। तो इनमें परसेंटेज s सबसे ज़्यादा किसका होगा, sp का होगा, फिर sp2 का होगा, फिर sp3 का होगा। तो अगर परसेंटेज s sp का ज़्यादा है तो मैं बोल सकता हूँ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज़्यादा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल का होगा, फिर sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल का होगा, लास्ट में sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का होगा। आई होप ये पॉइंट क्लियर है। तो ये 5 फैक्टर हमने लिखे, राइट, जल्दी से नोट कर लिए। अब चलिए अपन नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, पीरियोडिसिटी पे। मीन्स हेडिंग दीजिए पीरियोडिसिटी इन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। मीन्स इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में पीरियोडिसिटी क्या होगा, मतलब अगर आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे पीरियोडिक टेबल में तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कैसे वैरी करेगा, अगर आप टॉप टू बॉटम आएंगे तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कैसे वैरी करेगा। अब ये समझने से पहले चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, अगर आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो आपको पता है लेफ्ट टू राइट में जेड इफेक्टिव क्या होता है। पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है, तो अगर जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर मैं बात करूँ टॉप टू बॉटम की, तो अगर टॉप टू बॉटम अगर अपन आ रहे हैं तो टॉप टू बॉटम में साइज इंक्रीज होता है, साइज इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होगा, ये डिक्रीज होगा। सिंपल है। तो आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में पीरियोडिसिटी क्या होगा, लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीजेज, टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीजेज। सिंपल है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बेसिकली टेंडेंसी है, ठीक। तो आप एग्जैक्ट वैल्यू कैसे फाइंड करें कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का वैल्यू क्या होगा, इसके लिए कुछ स्केल बनाए गए हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा 9th 10th में pH स्केल आपने देखा है, ठीक। मतलब अगर pH स्केल देखा जाए तो pH स्केल की बात करें तो आपके पास 7 है, 0 है, 14 है। 7 अगर है किसी का तो pH मतलब ये न्यूट्रल है, आपने पढ़ा होगा। 7 से अगर कम है मतलब ये एसिडिक होगा, और अगर 7 से ज़्यादा है मतलब ये बेसिक होगा। मीडियम आप या किसी भी सब्सटेंस का नेचर बता सकते हैं, वो एसिडिक है या बेसिक है या फिर न्यूट्रल है, राइट। मान लीजिए अगर किसी का pH 3 है और एक सब्सटेंस है इसका pH 4 है, तो आप बोल सकते हो कि जिसका pH कम है वो मोर एसिडिक होते हैं। तो आप ऐसे एसिडिक नेचर बता सकते हो pH स्केल के हेल्प से, क्लियर है। तो वैसे ही हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी फाइंड करने के लिए हमने कुछ स्केल बनाया है। तो अब नेक्स्ट हम टॉपिक पे आते हैं, वो डिफरेंट स्केल क्या है। तो चलिए हेडिंग दीजिए डिफरेंट स्केल ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो इसमें पहला स्केल है, फर्स्ट स्केल इज पॉलिंग स्केल। पॉलिंग स्केल और जनरली हम यही यूज करते हैं, थोड़ा ध्यान रखें, ठीक। तो पॉलिंग स्केल में आप याद रखें कि ये बेसिकली रिलेटिव स्केल है। तो फर्स्ट पॉइंट, ये रिलेटिव स्केल है, इट इज रिलेटिव स्केल, मतलब ये किसी रेफरेंस एलिमेंट लिया है हमने और उसके रिलेटिव में ये स्केल हमने बनाया है, ठीक। तो यहाँ पे रेफरेंस एलिमेंट क्या है, तो आप लिख सकते हैं कि द रेफरेंस एटम वाज
पहले द रेफरेंस एटम वॉज टेकन टू बी हाइड्रोजन एटम। तो हमने रेफरेंस एटम हाइड्रोजन लिया था, लेकिन कुछ कुछ केसेस में फ्लोरीन भी ले सकते हो आप। तो कहीं कहीं आपको फ्लोरीन एटम भी लिखा मिल सकता है। तो फ्लोरीन एटम मे ऑल्सो बी टेकन, मतलब समझे आप रेफरेंस का। और हमने क्या किया कि हाइड्रोजन एटम है, इसका एक वैल्यू मार्क कर दिया। लेट्स से कुछ भी वैल्यू मैंने मार्क कर दिया, लेट्स से एक्स वैल्यू मार्क कर दिया। इसके इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का वैल्यू मैंने एक्स बोल दिया, ठीक। और मैंने क्या किया कि अब दूसरा एटम देखा। लेट्स से मैंने एटम लिया ऑक्सीजन, मैंने देखा कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी या ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी हाइड्रोजन से ज़्यादा है, तो मैं बोलूँगा कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होगा, ठीक। और मैंने ये भी फाइंड किया कि ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी है, ये लेट्स से 1.5 टाइम्स है, जिसमें ऐसी रैंडम एग्जांपल दे रहा हूँ। मैंने ये फाइंड कर लिया कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी 1.5 टाइम्स ज़्यादा है हाइड्रोजन से। तो अगर मैं हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का वैल्यू एक्स मान लूँ, तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कितना हो जाएगा, 1.5x, 1.5 टाइम ज़्यादा है। कोई डिफरेंट एलिमेंट है, जैसे रैंडम एलिमेंट मैं ले रहा हूँ, कोई ए एलिमेंट है, मैं बोल रहा हूँ कि ए एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी या इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग टेंडेंसी हाइड्रोजन से डबल है। तो अगर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एक्स है, तो ए एटम का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो ये मतलब होता है रिलेटिव स्केल का। और रेफरेंस एटम मैंने क्या लिया यहाँ पे, हाइड्रोजन लिया है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो आप नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं कि लिख लीजिए में कि पॉलिंग यूज्ड बॉन्ड एनर्जी डेटा, पॉलिंग यूज्ड बॉन्ड एनर्जी डेटा टू फाइंड द इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ एटम। पॉलिंग यूज्ड बॉन्ड एनर्जी डेटा टू फाइंड द इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ एटम, टू फाइंड द इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ एटम। मतलब पॉलिंग ने बॉन्ड एनर्जी का डेटा फाइंड किया, और आपको बॉन्ड एनर्जी पता है क्या होता है। बॉन्ड एनर्जी इज़, हमने मूल कॉन्सेप्ट में पढ़ा था, बॉन्ड एनर्जी इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड, पता है आपको। और बॉन्ड एनर्जी मतलब यार सिंपल सा, अगर कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है, तो बॉन्ड एनर्जी मतलब किसी भी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो भी एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, इसे बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी, क्लियर है। अब इन्होंने फाइंड कैसे किया, तो देखो यहाँ पे इन्होंने लिखा कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ लेट्स से ए माइनस इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ बी, चलो मैं इसका मॉड ले लेता हूँ, इक्वल्स टू 0.208, इन्होंने एक फॉर्मूला दिया 0.208 रूट ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी बॉन्ड माइनस रूट ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए ए, मैं इसको थोड़ा सा लेफ्ट में कर देता हूँ, बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए ए इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ बी बी बॉन्ड। तो ये इन्होंने फॉर्मूला दिया, ठीक। यहाँ पे सारे टर्म्स क्या हैं, ई एन ए मतलब आपको पता है, ई एन ए मीन्स इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ ए, सिमिलरली ई एन बी मीन्स इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ
बी, ई ए बी का मतलब है बॉन्ड एनर्जी ऑफ, बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी बॉन्ड, ए बी बॉन्ड इन, याद रखें यूनिट किलो कैलोरी पर मोल, ये ए बी बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी है। सिमिलरली ई ए ए मैंने जो लिखा है इसका मतलब है बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए ए बॉन्ड इन किलो कैलोरी पर मोल। सिमिलरली आप बोल सकते हैं ई बी बी मीन्स ये हो जाएगा बॉन्ड एनर्जी ऑफ बी बी बॉन्ड इन किलो कैलोरी पर मोल। आई होप क्लियर इतना। और आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, अगर कभी जूल में दे दे आपको वन कैलोरी और जूल में कन्वर्जन पता होना चाहिए, वन कैलोरी इक्वल टू होता है 4.18 जूल, ये दोनों ही एनर्जी के यूनिट हैं और इनमें कन्वर्जन वन कैलोरी इक्वल टू 4.18 जूल होता है। तो चलिए अपन एक सिंपल सा प्रॉब्लम करते हैं इस पे। क्वेश्चन लिखिए कि फॉर अ बॉन्ड ए बी फाइंड डेल्टा एन, इफ डेल्टा एन मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस, डेल्टा लिखने का मतलब है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस। तो ये जो मैंने टर्म लिखा है ई एन ए माइनस ई एन बी, ये मतलब है डेल्टा ई एन ही है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस ही है, राइट। तो फॉर अ बॉन्ड ए बी फाइंड डेल्टा ई एन इफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी इज 76 किलो कैलोरी पर मोल, बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए ए इज 81 किलो कैलोरी पर मोल एंड बॉन्ड एनर्जी ऑफ बी बी इज 64 किलो कैलोरी पर मोल। खुद से आप ट्राई करें कि यहाँ पे डेल्टा ई एन क्या होगा। चलिए आप यहाँ से फॉर्मूला निकाल सकते हैं, डेल्टा ई एन का फॉर्मूला होता है 0.208 स्क्वायर रूट ऑफ ई ऑफ ए बी, बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी ये 76 है, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए 81 इंटू 64। तो आप सॉल्व करेंगे तो 0.208 स्क्वायर रूट ऑफ 76 माइनस, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 9 इंटू 8 72, तो ये आ जाएगा 76 माइनस 72 4, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2, 0.208 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 0.416। ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस मिल गया आपको। तो ये था पहला स्केल, पॉलिंग स्केल था। और अगर आप पॉलिंग स्केल पे अगर सारे एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक, तो आपको कुछ वैल्यू मैं दे रहा हूँ ये आपको याद रखना है। अगर हाइड्रोजन, फिर चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फिर इसके नीचे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इतने एलिमेंट का मैं आपको इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वैल्यू दे रहा हूँ, ये ट्राई करें याद रखने का। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होता है ये 2.2 होता है, ये याद रखें आप। लिथियम का 1 होता है। ये देखिए इस सेकेंड पीरियड का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी लर्न करना बहुत ही सिंपल है, आप जस्ट 0.5 ऐड करें तो 1.5, बोरॉन का 2, कार्बन का 2.5, नाइट्रोजन का 3, ऑक्सीजन का 3.5, फ्लोरीन का 4। मतलब अगर आप लिथियम से फ्लोरीन तक जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी
0.4 से इंक्रीज होगा, राइट। फिर सोडियम का होता है 0.9, अब इसमें 0.3 ऐड करें 1.2, एल्युमिनियम का फिर से 0.3 ऐड करें 1.5, सिलिकॉन का 0.3 ऐड करें 1.8, यहाँ पे आपको फॉस्फोरस का फाइंड करना है फिर से 0.3 ऐड करें 2.1, सल्फर में आपको 0.4 ऐड करना पड़ेगा मीन से 2.5 हो जाता है, क्लोरीन का 3.2 हो जाता है, ब्रोमीन का याद रख लें 2.8, आयोडीन का 2.5। इतना इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी का वैल्यू आप लर्न कर लें, ये काम के हैं, बाकी सारे आप लर्न ना करें मीन्स कोई भी लर्न नहीं करेंगे तो भी चलेगा। इसमें भी फ्लोरीन का वैल्यू, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, क्लोरीन, ये तो आप याद रखो, ब्रोमीन और आयोडीन भी याद रख सकते हो और हाइड्रोजन है ही, इतने तो आपको मस्ट है याद रखना। तो ये पॉलिंग स्केल पे इनकी इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी वैल्यू है, ये सारे पॉलिंग स्केल पे हैं। इनमें से आप याद रखें मोस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट अगर पूरे पीरियोडिक टेबल में देखा जाए तो फ्लोरीन है मोस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम, फ्लोरीन है इसका वैल्यू 4 आता है, सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन है इसका वैल्यू 3.5 आता है, फिर क्लोरीन है 3.2 एंड फोर्थ नंबर पे नाइट्रोजन है, ये 3 है। तो ये 4 मोस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम है, ये याद रखें आप, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन का, फिर ऑक्सीजन का, फिर क्लोरीन का, लास्ट में नाइट्रोजन है। याद रखने के लिए आप ऐसे मतलब इस ऑर्डर में तो नहीं है, फ़ोन कॉल आप ये लर्न कर सकते हैं, फ़ोन कॉल आप याद रख सकते हैं, मतलब ऐसे फ़ोन कॉल FONCL, फिर से बोल रहा हूँ, फ़ोन कॉल में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का वैल्यू डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है, फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, फिर क्लोरीन है, फिर नाइट्रोजन है, राइट। चलिए फिर अब नेक्स्ट स्केल पे आते हैं, सेकंड स्केल है मुलिकेन्स स्केल। तो यहाँ पे ये रिलेटिव स्केल नहीं है, ये एब्सोल्यूट स्केल है। तो पहला पॉइंट आपको यह ध्यान में रखना चाहिए कि इट इज एब्सोल्यूट स्केल, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का वैल्यू होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑन मुलिकेन स्केल इक्वल्स टू होता है आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिवाइडेड बाई 2। ये फॉर्मूला होता है, मतलब किसी भी एटम का आप आयोनाइजेशन एनर्जी फाइंड करें, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फाइंड करें, उन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दें तो आपको इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी मिल जाएगा। बस आपको याद रखना चाहिए कि यूनिट ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो यहाँ पे जब भी आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में होगा, और आयोनाइजेशन एनर्जी का भी वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में होगा। और अगर आप मुलिकेन स्केल और पॉलिंग स्केल को कन्वर्ट करेंगे तो इन दोनों में रिलेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑन पॉलिंग स्केल इक्वल्स टू होता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑन मुलिकेन स्केल डिवाइडेड बाई 2.8 होता है। तो ये फॉर्मूला इम्पॉर्टेंट है, याद रखें। कभी भी आपको पॉलिंग स्केल पे अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी दिया है और मुलिकेन स्केल में फाइंड करना है तो ये मेथड यूज़ करें आप। तो ये था सेकेंड मेथड, अब बात कर लेते हैं थर्ड स्केल, और है लेस इम्पॉर्टेंट है लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं अपन। ये है एलर्ट रॉको स्केल।
थर्ड स्केल एलर्ट रॉको स्केल, ये भी फिर से एब्सोल्यूट स्केल है, एब्सोल्यूट स्केल है। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का वैल्यू होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑन एलर्ट रॉको स्केल इक्वल टू होता है 0.359 इंटू जेड इफेक्टिव अपॉन आर स्क्वायर प्लस 0.744। तो ये वैल्यू होता है। और आपको पता है जेड इफेक्टिव क्या होता है? तो जेड इफेक्टिव इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है। और यहाँ पे आर ये है रेडियस इन एंगस्ट्रम है, ये ध्यान रखें, रेडियस ऑफ एटम यूनिट याद रखें इन एंगस्ट्रम होता है। आपको पता है 1 एंगस्ट्रम इक्वल टू 10^-10 मीटर होता है। तो ये बेसिकली 3 स्केल है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी फाइंड करने का। आई होप इतना क्लियर होगा। अब चलिए अपन ने इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के स्केल पढ़ लिया, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पे। तो हेडिंग दीजिए, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। अब चलिए बात करते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का एप्लीकेशन क्या होगा। तो पहला चीज़ तो आप ये बोल सकते हो यार कि किसी एटम का अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है, राइट, इसका मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, राइट। तो मेटल एंड नॉन मेटल में देखिए, मेटल एंड नॉन मेटल में आपको पता होना चाहिए कि मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है। जितने भी नॉन मेटल हैं जैसे ऑक्सीजन है, वो ओ माइनस बनाएगा, ओ टू माइनस बनाएगा, ओ प्लस ईजिली नहीं बनाएगा। तो नॉन मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन अपने साइड अट्रैक्ट करते हैं। इट मीन्स किसी भी एटम का अगर आपको इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा दिख रहा है, इसका मतलब वो मेटल होगा या नॉन मेटल होगा, मतलब वो नॉन मेटल होगा। क्लियर है? तो फर्स्ट एप्लीकेशन आप लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉन मेटालिक कैरेक्टर। मीन्स एटम का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज होगा तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा, राइट। सेकेंड पॉइंट, अब अपन बात करते हैं, देखो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस में आते हैं। सेकेंड पॉइंट समझने से पहले आप ये समझो, जैसे कोई एटम है ए, दूसरा एटम है बी, राइट। लेट्स से ए का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बहुत कम है, बी का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। तो अगर बी का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, इट मीन्स ए एंड बी के बीच में अगर मैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस देखूं, तो डेल्टा ई एन, डेल्टा ई एन का मतलब है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस। डेल्टा ई एन मीन्स इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस। तो यहाँ पे अगर मैं मानूं कि डेल्टा ई एन बहुत हाई है, मीन्स ए एंड बी में जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस है अगर वो बहुत हाई है, तो अब क्या होगा, ए एंड बी में अगर बी का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, ए का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बहुत कम है, तो इलेक्ट्रॉन बी के साइड में आएंगे। क्लियर? बी के साइड में इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होंगे। अगर इलेक्ट्रॉन बी के साइड में अट्रैक्ट होंगे तो बी के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगा तो बी पे डेल्टा माइनस चार्ज आएगा और ए पे डेल्टा प्लस चार्ज आएगा, बिकॉज ए तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, कोई भी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उस पे प्लस चार्ज आएगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उस पे माइनस चार्ज आता है। तो आप देखेंगे कि अगर डेल्टा ई एन ज़्यादा है तो ए एंड बी पे पोलैरिटी डेवलप हो रहा है, मतलब ए पे प्लस डेवलप हो रहा है और बी पे माइनस डेवलप हो रहा है, मीन्स आपको ए एंड बी में पोलैरिटी डेवलप हो रहा है। तो इस बॉन्ड में पोलैरिटी या माइनस या प्लस
कितना ज़्यादा डेवलप होगा डिपेंड करेगा डेल्टा एन का वैल्यू कितना ज़्यादा है। डेल्टा एन, ध्यान रखिए, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी नहीं बोल रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होगा तो बॉन्ड में पोलैरिटी ज़्यादा होगा। तो ये पॉइंट समझ में आया, मतलब सेकेंड पॉइंट बोल सकते हैं आप कि बॉन्ड पोलैरिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा ई एन। नहीं, फिर से मैं डेल्टा ई एन बोल रहा हूँ क्योंकि ई एन नहीं बोल रहा हूँ। देखो, ए है और बी है, दोनों ही मोर इलेक्ट्रॉन निगेटिव हैं। दोनों ही अगर मोर इलेक्ट्रॉन निगेटिव हैं तो इलेक्ट्रॉन किसके साइड में जाएंगे? अगर दोनों, लेट्स से मान लो ए का भी इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी वैल्यू 3 है, बी का भी 3 है, दोनों ही हाई इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी वैल्यू है लेट्स से, तो अब इलेक्ट्रॉन ना ही ए के साइड में जाएगा ना ही बी के साइड में जाएगा, इलेक्ट्रॉन दो मिडल में ही रहेगा यार, राइट? तो अगर इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी दोनों का हाई है और सेम है तो यहाँ पे डेल्टा ई एन, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी डिफरेंस जीरो है। मतलब अगर डेल्टा ई एन जीरो है तो इलेक्ट्रॉन कहीं भी नहीं जाएगा, मीन्स ए के साइड में भी नहीं जाएगा, बी के साइड में भी नहीं जाएगा। अब यहाँ पे बॉन्ड पे प्लस माइनस डेवलप नहीं होगा, मीन्स बॉन्ड में पोलैरिटी नहीं आएगा। लेकिन एक एटम है ए, इसका इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी 1 है, दूसरा एटम है बी, इसका इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी 2 है। अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी डिफरेंस डेल्टा ई एन 1 है, आप देखेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है तो बी के साइड में माइनस आएगा, ए के साइड में प्लस आएगा। तो अगर डेल्टा ई एन या इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होगा तो बॉन्ड में पोलैरिटी डेवलप होगा, क्लियर है? और कभी भी बॉन्ड में पोलैरिटी डेवलप हो, मीन्स माइनस या प्लस चार्ज डेवलप हो, तो माइनस प्लस डेवलप हो और माइनस प्लस के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है, मीन्स आयंस के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है, राइट? तो अगर आयंस के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है तो ऐसे बॉन्ड को बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। शायद आपने 9th 10th में पढ़ा भी होगा कि बॉन्ड दो टाइप के होते हैं, एक होता है कोवेलेंट बॉन्ड, दूसरा होता है आयोनिक बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड मतलब इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से फॉर्म होता है, आयोनिक बॉन्ड इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से फॉर्म होता है। तो जितना ज़्यादा माइनस और प्लस चार्ज होगा उतना ज़्यादा बॉन्ड में आयोनिक कैरेक्टर डेवलप होगा। ये सब आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड कुछ लोगों को नहीं पता होगा, वो बिल्कुल टेंशन ना लें, हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में डिस्कस करेंगे। तब थर्ड फैक्टर बोल सकते हो कि आयोनिक कैरेक्टर इन बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड पोलैरिटी। बॉन्ड में अगर पोलैरिटी डेवलप होगा, मीन्स प्लस और माइनस डेवलप होगा, तो बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर बढ़ेगा। और ये बॉन्ड पोलैरिटी किस पे डिपेंड करता है? डेल्टा ई एन पे। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस इंक्रीजेस, आयोनिक कैरेक्टर इन बॉन्ड इंक्रीजेस। तो इनफैक्ट आपके पास एक इक्वेशन है परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कैलकुलेट करने का, तो परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर इक्वल टू होता है 16 टाइम्स मॉड ऑफ डेल्टा ई एन प्लस 3.5 मॉड ऑफ डेल्टा ई एन स्क्वायर। तो ये एक्सप्रेशन है आपके पास परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कैलकुलेट करने का, 16 टाइम्स डेल्टा ई एन प्लस 3.5 डेल्टा ई एन स्क्वायर। मैंने मॉड इसलिए लिया बिकॉज डेल्टा ई एन आपको ऑलवेज पॉजिटिव रखना है, क्लियर है? इस इक्वेशन को बोलते हैं हैनी स्मिथ इक्वेशन। आपको पता है डेल्टा एन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी डिफरेंस, मीन्स इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ऑफ ए माइनस इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ऑफ बी। चलिए एक सिंपल सा प्रॉब्लम लिखते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर इन HF। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन ये होता है 2.2 और इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन होता है 4। आपको परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इन HF फाइंड करना है, ट्राई करिए ज़रा।
तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से आप लिख सकते हैं परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर विल बी इक्वल टू 16 टाइम्स डेल्टा ई एन प्लस 3.5 डेल्टा ई एन स्क्वायर होता है। अब पता है यहाँ से डेल्टा ई एन का वैल्यू 4 माइनस 2.2, ये 1.8 है, तो ये वैल्यू हो जाएगा 16 × 1.8 प्लस 3.5 × 1.8 का स्क्वायर। आप ये सॉल्व करेंगे तो ये रफली ये वैल्यू कुछ 16 × 1.8 आप बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हो यार, क्लियर है। तो यहाँ पे 16 × अगर आप 1.8 कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 28.8। और ये जो आप सॉल्व करना तो ये आने वाला है 11.34। इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो ये वैल्यू हो जाएगा 40.14%। तो HF मॉलिक्यूल में 40.14% आयोनिक कैरेक्टर होता है, क्लियर है। तो ये अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, और आई होप नेक्स्ट लेक्चर में आपका पीरियोडिक टेबल चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, क्लियर है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।